आईडी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नई इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के साथ। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स के बारे में। एलटी पैनल्स एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जिसका काम जनरेटर या ट्रांसफॉर्मर से पावर रिसीव करने के बाद इसे सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एलटी पैनल का इस्तेमाल 415 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे किया जाता है। चलिए अब जानते हैं ये पैनल्स कैसे बनाए जाते हैं और कैसे इसकी असेंबली की जाती है। मेरा नाम सूफियान अहमद है। मेरी कंपनी का नाम एसएमए पावर कंट्रोल है। बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिकल पैनल्स बनाते हैं, काफ़ी टाइप्स के इलेक्ट्रिकल पैनल्स बनाते हैं, जैसे एलटी पैनल्स, कैपेसिटर पैनल्स, पीएलसी पैनल्स एंड स्टार्टर पैनल्स एंड सिंक्रोनाइजिंग पैनल एंड लास्ट में वीएफडी पैनल्स। और सोलर सिस्टम्स के लिए भी हम बनाते हैं डीसीडीबी, एसीडीबी एंड जंक्शन बॉक्स। बट लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है ड्राउट्स पैनल बनाने में। बेसिकली जो कि जहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है वो वहाँ पर क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं, वहाँ पर यूज़ किया जाता है, जैसे IOCL वगैरह में, जहाँ पर कुछ सीमेंट प्लांट हो जहाँ पर क्रिटिकल कंडीशन हो, जहाँ पर किसी तरीके का कोई भी सर्किट ऑफ ना हो एट अ टाइम के लिए, इसलिए हम बनाते हैं ड्राउट टाइप का पैनल। जो कि बेसिकली हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं उसी पैनल के अंदर। उसमें इस तरह से ट्रॉलीज वगैरह होती हैं जो कि हम ट्रॉलीज बनाते हैं और उसको इस तरह से ड्राउट की तरह से ट्रॉली बनाते हैं, उसमें हम हैंडल के थ्रू देते हैं जो इंसर्ट किया जा सकता है, ड्राउट और ड्राउट भी किया जा सकता है। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप है जहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल आ रहा है। जैसे सीआरसी शीट हमने मंगाया है, अपने पास रॉ मटेरियल यहीं पर स्टोर होता है पहले हमारा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा मटेरियल सारा सीआरसी शीट रॉ मटेरियल रखा हुआ है। ये हमारा पहला स्टेज है जहाँ पे हमने अपना मटेरियल स्टोर रखा हुआ है। तो यहाँ से हमारा स्टेप शुरू होता है कि फैब्रिकेशन की जो शीट है वो कितने एमएम में कहाँ कहाँ पे पंचिंग होनी है, कहाँ कहाँ पे बेंडिंग होनी है, कैसे कटिंग होनी है, वो सारा यहीं से प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है। तो हम आपको भी लेके चलते हैं अपने अंदर सीएनसी मशीन के रूम। हमारा यहाँ जो सीएनसी मशीन का जो स्टार्ट होता है पूरा, वो हमारे पास दो मशीनें हैं सीएनसी हमारा मशीन है। पहली मशीन है ये पंचिंग मशीन है, ऑटोमेटिक सीएनसी पंचिंग मशीन है। देन आफ्टर हमारा ये सेकंड मशीन है जिसका नाम है ये बेंडिंग मशीन, ये भी ऑटोमेटिक सीएनसी बेंडिंग मशीन है हमारे पास। ये दोनों मशीनरी वर्क जो है आप एट अ फर्स्ट दस जो डिज़ाइनिंग होकर आ रही है उनकी शीट कटिंग करना, देन आफ्टर उसके बाद जो कट होकर शीट यहाँ पर आ रही है पंचिंग होने के बाद, वो यहाँ पर हमारे जो मिस्टर ये वर्कर्स हैं वो इसको सीट को एज पर एमएम के हिसाब से डायमेंशन को बेंडिंग करते हैं। और इस तरह से हम आपको भी अपनी पूरा टोटल ओवरव्यू भी देंगे कि कैसे हमारी मशीनरी वर्क जैसे काम कैसे कर रही है। अब हमारा पहला जो प्रोसेस है, सबसे पहला पंचिंग मशीन जो है, जो हमारा अभी ऑटोमेटिक फीडिंग करके आया है सर विमल सर के थ्रू, जो प्रोग्रामिंग की गई है वो हमारी अभी सीएनसी मशीन में प्रोग्राम हो चुकी है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि हमारी मशीन किस तरह से उस चीज़ को पंचिंग कर रही है शीट को, और पंचिंग करने के बाद ऑटोमेटिकली कैसे शीट को हटाती है। सारा चीज़ जो अपने ऑटोमेटिक जिसके पंचिंग होल्स हैं वो ऑटोमेटिक किस तरह कितने एमएम पे है, कितनी दूरी पे है, वो सारा ऑटोमेटिक पंचिंग करती है। जो भी अभी हम वहाँ से पंचिंग करके आई है सीएनसी मशीन से, वो यहाँ पर हमारा सारा फ्रेम साइज आ गया है। अब इसी फ्रेम साइज को हम यहाँ पे अपनी बेंडिंग मशीन में बेंड करेंगे। उसके बाद जब ये पेंट होने के बाद वहाँ असेंबली एरिया में जाएंगे तो ये बोल्ट सेक्शन है जो इसे असेंबल करके एक पूरा कंप्लीट पैनल बनाएगा। ऐसे ही ये पीछे जो हमारा बस बार का है, ये बस बार चैम्बर का पार्ट्स है जो कि ये लूअर्स हैं, इसके बस बार के लिए लूअर्स बनाए गए हैं। ये भी एक तरह से सारे अभी बेंडिंग होके ये फिर उसके बाद पेंट रूम में जाके असेंबल होंगे, तब ये पूरा कम्प्लीटली एक पैनल कंप्लीट होगा आफ्टर द पेंट। एज पर उसका जो बेंडिंग डायमेंशन है, जितने डायमेंशन वो बेंड होगा, वो हमारे अभी जो वर्कर्स हैं वो अभी बेंड करके आपको दिखाएंगे। अभी हमारा फ्रेम साइज कट के आ रहा है, वो यहाँ पर अभी हमारा बेंडिंग होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, वो स्टेप अभी हमारा ये हमारे पर्सन अभी बेंडिंग करके दिखाएंगे कि कैसे हमारा वो बेंड होके आ रहा है किस तरह से। ये हमारी बेंडिंग मशीन है जो कि ऑटोमेटिक मशीन है, जो कि पैनल के थ्रू हमारा पूरा प्रोग्रामिंग होता है जिसके थ्रू ये ऑटोमेटिक मशीन बेंडिंग कर रही है। अब
अभी जो भी हमारा प्रोसेस वहाँ से बेंडिंग प्रोसेस से आया हुआ है मशीन से, जो हमने पार्ट्स को बेंड किया हुआ है वहाँ पर, ये कुछ एक हमारा सैंपल है जो कि अभी बेंड हो चुका है लगभग पूरा, लेकिन जो भी कुछ हमारा बेंडिंग बचा हुआ है वो हमारे पर्सन अभी वेल्डिंग इसको करेंगे। तो जो प्रोसेस उसके बाद हमारा बेंडिंग के बाद आता है वो वेल्डिंग का आता है। तो ये कुछ एक सैंपल है जो अभी वेल्ड हुआ है। जैसा कि अभी हमारा वेल्डिंग का सिस्टम जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा है ग्राइंडिंग, जो कि कुछ हमें फिनिशिंग करना देना होता है, क्योंकि जब हमारा जब फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा रहेगा उससे हमारा जो पेंटिंग वाइज का अगला प्रोसेस है वो उससे जब बेहतर ही रहेगा, इसलिए हम अभी यहाँ पर इस प्रोसेस के लिए ग्राइंडिंग के लिए लाए हुए हैं। यहाँ से अभी हमारा जो पेंट एरिया स्टार्ट होता है, तो जो सबसे पहले हमारा पेंट का प्रोसीजर है वो सबसे पहले ये है, जो हमारा रॉ मटेरियल ऊपर नीचे से वेल्ड होके आया है उसे पूरी तरीके से अच्छी तरीके से केमिकल के थ्रू हमें साफ करना होता है। तो जैसे हमारे पर्सन पहले इसको बहुत ही अच्छी तरीके से केमिकल के थ्रू इसको साफ करते हैं, क्योंकि इसी सफाई की वजह से ही जो इसका पेंट इसके ऊपर अभी लगाया जाएगा हमारे पर्सन के थ्रू। जैसा कि आपने देखा कि हमारा पहला प्रोसेस उसने केमिकल के थ्रू साफ किया, उसके बाद वहाँ पर हमारे पर्सन ने पेंट किया, जो भी पेंट उसने डाला होगा 70-32 या 70-35 जो भी, उसके बाद हमने अपना प्रोसेस इस भट्टी के अंदर डाल रखा है, जो कि भट्टी का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस हमने रखा हुआ है, जो कि 20 मिनट के बाद हम उस भट्टी को खोल के बाहर निकालते हैं। जैसा कि अभी हम खोल के आपको दिखा रहे हैं, हमारा जो 20 मिनट टाइमिंग लिमिट था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारा वो पेंट मटेरियल कैसे पूरा कंप्लीटली पेंट हुआ है। जैसा कि अभी आपने देखा हमारा सारा पैनल रेडी होते हुए, स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ हमारा पूरा। अब जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं ये स्ट्रक्चर है हमारा पूरा रेडी होके। अब हम इस पर जो पहले अपने स्विचगेट को माउंटिंग करेंगे, वो किस तरह से हम अपना स्विचगेट को माउंटिंग कर रहे हैं आपको हम अभी दिखाएंगे सारा कुछ। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इसमें हम अपना पूरा, जैसे कौन कौन से स्विचगेट लगा रहे हैं, किस चीज़ के लिए लगा रहे हैं, पावर फिटर के लिए लगा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए लगा रहे हैं, या पूरा सॉफ्ट स्टार्टर वगैरह है, कौन से किस तरीके की रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, उस तरह से हम अपने स्विचगेट को माउंट करेंगे एज़ पर क्लाइंट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। जो भी ये जो अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर हम एक तरह से मोटर स्टार्टर बना रहे हैं, जो कि एक सॉफ्ट स्टार्टर है, जो कि ये हमारा पैनल जाने वाला है वेस्ट अफ्रीका के लिए। तो वहाँ पे एक गोल्ड माइन की फैक्ट्री है, तो वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े लोड्स के स्टार्टर्स हैं, तो वहाँ पर ये सॉफ्ट स्टार्टर लगे हुए हैं 132 किलोवाट के, जिसमें स्नाइडर की MCC भी है, उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्टर्स है, उसके बाद उसका सॉफ्ट स्टार्टर लगा हुआ है जो कि उसको फिट करेगा मोटर को। तो ये हमारा नॉर्मली एक पैनल स्टैंडर्ड जो तरीके से बना रहे हैं वेस्ट अफ्रीका के लिए, ये पैनल वही है। तो इस हिसाब से हम इसको माउंट कर रहे हैं, और ये हमारा थोड़ा सा जो स्टार्टिंग स्टेज है, असेंबली स्टेज है, वहाँ का ये विजुलेशन है। जैसा कि आपने अभी हमारा सारा प्रोसेस देखा है कि किस तरह से हमारा पहला स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक आ रहा है, उस स्टेप में ये हमारा सबसे फाइनल प्रोडक्ट अब बन के जो आया है वो उसमें से एक ये प्रोडक्ट है, जिसका हम HVAC का पैनल है, ये मेन HVAC पैनल, जो कि HVAC पैनल मतलब हीट वेंटिलेशन पैनल है, जो बेसिकली हम जहाँ पर ज़्यादातर स्टार्टर्स वगैरह वो यूज़ किए जाते हैं प्लम्बिंग सेक्टर्स में, और स्टार्टर्स जहाँ पर लग रहे होंगे वहाँ पर ये पैनल यूज़ होता है बेसिकली। तो इस बेसिकली इसके अंदर हमने इनकमर्स लगा रखा है दो सेक्शन में, एक इनकमर 1 ट्रांसफार्मर का और एक इनकमर 2 हमने लगा रखा है DG का। इसी तरह से हमने बीच में एक बस कपलर सेक्शन को जोड़ रखा है, जो कि सप्लाई को एक तरह से जोड़ने का काम करता है एक सेक्शन पे। जैसे कि एक सप्लाई आ रही है हमारी और एक सप्लाई जाने के बाद हमारा दूसरा बस कपलर जब ऑन करेंगे तो वो सप्लाई को एक्सटेंड करेगा हमारा। इसी तरह से ये हमारा नॉर्मल वर्टिकल्स हैं कुछ, जैसे ये इनकमर सेक्शन है हमारे और कुछ हमारे आउटगोइंग सेक्शन है, जो कि वेरियस टाइप ऑफ द स्टार्टर्स जहां पे लगे हुए मोटर्स उनको ये आउटगोइंग हमारे सप्लाई जा रही है आउटगोइंग। इसका जो अभी ये हमारा फ्रंट एरिया है आपके पैनल का, इसके बैक साइड में हमारा केबल अरे का सेक्शन है और कुछ सेफ्टी पर्पज जैसे बस बार का चीजें हैं वो सारा सेफ्टी पर्पज बैक साइड में है।
बहुत ही नॉर्मली तरीके से समझ जाए कि हमें किस बटन को ऑन करना है, किससे ऑफ करना है, किस स्टार्टर्स को, वो एक तरह से बहुत ही हमने इजीली कर रखा है उसके नेम प्लेट्स वगैरह को। यहाँ पर हमने मीटर भी लगा रखा है, वो एक नॉर्मली तरीके से आके मीटर को रीडिंग में नोट कर सकता है। जैसे एक इंडस्ट्रीज को पर डे बेसिस के ऊपर उसको जानना होता है कि उसकी मतलब कितना यूनिट उसका कंज्यूम हो रहा है पर डे, वो एक लॉग रजिस्टर्ड होता है उसके पास, वो उसमें आके ये पर आवर पे वो अपनी मीटर्स की रीडिंग को नोट करता है, और नोट करने के बाद वो वीकली अपना जाके रजिस्टर को बता सकता है कि कितना कंजम्पशन हो रहा है। ये हमारा अभी एक नॉर्मल फीडर है, और इसके बाद ये हमारा प्राइम चिलर प्लांट है 7.5 HP का। जैसा कि आपने देखा कि हमारा ये एक प्रोडक्ट है, जो कि ये हमारा सैंपल जो जा रहा है ये हॉस्पिटल में जा रहा है, हॉस्पिटल टाइप में। तो इसी तरह से और भी कई इंडस्ट्रीज़ में हैं जहां हम काम कर रहे हैं, जैसे पेपर मिल्स हो गया आपका, पास्ता मशीन्स हो गई, और शुगर प्लांट हो गया, मीट प्लांट हो गया, इस तरह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं। ऐसे सोलर प्लांट के सोलर पैनल में भी हम काम कर रहे हैं, DCDB AC मार्सलिंग बॉक्स वगैरह का भी हम पैनल बनाते हैं। इसी तरह से कई सारी वेरियस इंडस्ट्रीज हैं अपने यहाँ, तो हम वो सारी इंडस्ट्रीज की लगभग हम कवर अप कर लेते हैं हर तरह से। अगर आपको इस बिजनेस से जुड़ी कोई भी एक्सपर्ट एडवाइस या असिस्टेंस की जरूरत है तो इसमें आपका साथ देगा IID इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आपको आपके सपने पूरे करने में आपका पूरा सहयोग देगा। आप स्क्रीन पर दिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर या लिंक्स के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं, साथ ही आप अपनी क्वेरीज हमें ईमेल IDs के थ्रू पहुँचा सकते हैं।